एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल किसी आफत से कम नहीं है। जो इस सेट पर जाता है सही सलामत नहीं लौट पाता है, ऐसा हम नहीं बल्कि शो के फॉलोअर्स बोल रहे हैं। बाकायदा सबूत भी पेश किया गया है। अब इस शो में गए दो कलाकारों पर ऐसी आफत आई कि बड़ा हादसा होते होते बचा। यूं कहें कि कभी कभी ये छोटे छोटे हादसे मौत के मुंह में ले जाते हैं, और अभी अभी इस हादसे का शिकार होते होते बची मशहूर सिंगर नेहा कक्कर, जो कि शो में अपनी पूरी टीम और पति के संग पहुंची थी। शो में इन्होंने बहुत मस्ती की। पवनदीप, अरुणिता, शायली, दानिश, निहाल, तारो सब के सब सेट पर खूब गदर काट रहे थे। करंट के झटके दिए गए। शो में इतनी मौज मस्ती होती है कि इन्हें नजर लग जाती है, और दुर्भाग्य से नेहा कक्कर पर ऐसी आफत आती है कि वो सही सलामत शो से बाहर नहीं आ पाती है। नेहा कक्कर की सेट से बाहर निकलते वीडियो वायरल हो रही है। नेहा कक्कर सेट में अपने पैरों पर गई थी, लेकिन निकली तो व्हील चेयर पर। अचानक ना जाने नेहा कक्कर को क्या हो जाता है कि वो व्हील चेयर पर दर्द से चीखती दिखाई दी। ना जाने नेहा कक्कर की तबीयत कैसे अचानक बिगड़ गई। कि वो व्हील चेयर पर बहुत परेशान दिखाई दी, सिर पकड़कर रोती दिखाई दी। उनके पास डॉक्टर की टीम भी थी, डॉक्टर उनका बीपी चेक करते दिखाई दिए। अब नेहा कक्कर सेट से बाहर निकल रही थी, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। नेहा कक्कर को व्हील चेयर पर देखकर सब पूछने लगे कि अचानक क्या हो गया। सब घबरा गए, सब ने नेहा कक्कर को घेर लिया, और इतनी भीड़ और शोर शराबा देखकर नेहा के पति रोहन प्रीत का दिमाग खराब हो गया। गुस्से से आग बबूला रोहन प्रीत मीडिया पर ही सवार हो गए, चिल्लाने लगे। रोहन प्रीत तो मीडिया के कैमरे को बंद करने के लिए आगे बढ़ गए। उनकी जगह कोई और भी होता तो शायद यही करता, क्योंकि लोग नेहा कक्कर की दिक्कत देखते हुए भी फोटो लेने के लिए भीड़ लगाने लगे, उन्हें निकलने तक नहीं दे रहे थे। जिसके बाद रोहन प्रीत को चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, और भीड़ से निकलकर वो नेहा को लेकर गए। हालांकि अभी तक पता नहीं चला कि अचानक नेहा की तबीयत कैसे खराब हुई और क्या हुआ। आपको बता दें, इससे पहले इस शो में इमली फेम सुम्बुल भी गई थी, और वो भी इस शो में हादसे का शिकार हो चुकी हैं। उनके सिर में भी चोट लग गई थी। पवनदीप राजन, अरुणिता, कांचीलाल आज अपने दोस्त की शादी में बहुत बिजी रहने वाले हैं। आज तो पवनदीप, अरुणिता, मोहम्मद दानिश की शादी में पहुंचने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं, क्योंकि आज पवनदीप, अरुणिता मुंबई में ही हैं, और कल पवनदीप ने अपना बर्थडे भी मुंबई में सेलिब्रेट किया, तो वो इस वक्त मुंबई में है, और मुंबई में ही दानिश की शादी है, तो इन्हें कोई बहाना नहीं मिलेगा। अब बस रात का इंतजार किया जा रहा है, जब पवनदीप, अरुणिता एक दूसरे का हाथ पकड़कर दानिश की शादी में एंट्री करेंगे, और ना केवल एंट्री करेंगे बल्कि नाच गाना भी खूब होने वाला है। दोनों दोस्त की शादी में नाचते दिखाई देंगे। इनके डांस को देखने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब शायली कामले की शादी में तो ये दोनों पहुंच नहीं पाए थे, लेकिन मोहम्मद दानिश की शादी में इन्हें कोई बहाना नहीं मिलने वाला, और इस बार दानिश की शादी में ये जरूर पहुंचेंगे। तो क्या कुछ रात में पवनदीप, अरुणिता के संग होने वाला है? पवनदीप, अरुणिता किस अंदाज में पहुंचेंगे? अरुणिता के गेटअप पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। अरुणिता ड्रेस या साड़ी पहनकर पवनदीप के संग एंट्री करने वाली है। वहीं दानिश की बात करें तो दानिश के हल्दी मेहंदी सेरेमनीज के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। हल्दी सेरेमनी में दानिश ने येलो कुर्ता में परिवार और दोस्तों के संग खूब डांस किया। दानिश ने जी भर कर डांस किया। येलो कुर्ता पहने दानिश खूब मस्ती करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं मेहंदी सेरेमनी में दानिश ने ग्रीन कुर्ता पहनकर सबके होश उड़ा दिए। दानिश का गेटअप बहुत पसंद किया जा रहा है। अब दानिश के दूल्हे वाला गेटअप देखने के लिए तैयार हो जाएं। दानिश के दूल्हे वाले गेटअप में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है उनके फैंस। दानिश को ढेर सारी बधाइयां मिल रही हैं, और दानिश के दोस्तों का इंतजार किया जा रहा है। आज शाम को दानिश की शादी देखने के लिए आप सब भी तैयार हो जाएं। पवनदीप राजन के कुछ नए पिक्चर्स सामने आ चुके हैं, जिससे पता चल गया है कि पवनदीप का काम शुरू हो चुका है। पवनदीप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और वो भी अकेले, अरुणिता नहीं दिखाई दे रही हैं। पवनदीप मुंबई के ब्लू हिल स्टूडियो में पहुंचे, और यहां पवनदीप ने कोई गाना भी रिकॉर्ड करवाया होगा। अरुणिता के बिना ही पवनदीप अपना नया गाना रिकॉर्ड कर चुके हैं। अभी तक इनके इस नए गाने के बारे में कुछ ज्यादा अपडेट नहीं मिली है। गाना कब आने वाला है, क्या नाम है, और कौन सा गाना है, और अरुणिता उनके साथ शामिल है कि नहीं है, अरुणिता क्यों नहीं सामने आ रही है, अरुणिता की कोई अपडेट नहीं मिल रही है। काफी दिनों के बाद अरुणिता को हाउसफुल के सेट पर पवनदीप, शायली, दानिश, निहाल तारो और नेहा रोहन के संग मस्ती करते देखा गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि इनका कोई नया शो आने वाला है,
जिसमें नेहा रोहन के साथ साथ पवन शैली दानिस भी होंगे और अपने शो का प्रमोशन करने के लिए ये हाउसफुल के सेट पर गए थे। लगातार हाउसफुल के सेट से पवनदीप अरुणता के मस्ती क्यूट वाले वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। वीडियोस में अरुणता कांचीलाल को मस्ती करते देखा गया और उसके बाद अरुणता कांचीलाल कहाँ चली गई, कहाँ है कुछ पता नहीं लग रहा है। लेकिन पवनदीप जरूर इस वक्त अपने गाने की रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। साथ ही ताजमहल से भी पवनदीप के कुछ फोटो सामने आ चुके हैं। ताजमहल के आगे फोटो शूट करवाते दिखाई दिए पवनदीप। पवनदीप अपने दोस्तों के संग घूमने गए थे। अभी तक उन्हें ऋषिकेश में भी अपने दोस्तों के साथ देखा गया और वो अब आगरा ताजमहल भी पहुंचे। ताजमहल में भी पवनदीप को अकेले बिना अरुणिता के देखा गया। अरुणिता कहाँ है, पवनदीप के संग काम क्यों नहीं कर रही, आखिर क्या वजह है जो अरुणिता इतने लंबे ब्रेक पर गई है, इस बारे में भी तरह तरह के सवाल किए जा रहे हैं। अगर आप भी उनके फैन हैं तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या राय देंगे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाउसफुल के सेट से पवनदीप की एक और वीडियो सामने आ गई है जिसमें पवनदीप ने वो कर दिया कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। हालांकि शो में ऐसी वैसी हरकतें, तरह तरह के मस्ती वाले गेम्स और ऐसे वैसे सीन दिखाए जा रहे हैं जो शो पर पूरी तरह से आधारित हैं और जमकर एंटरटेनमेंट किया जा रहा है, तो पवनदीप भी शो के अकॉर्डिंग वैसा ही करने लगे। उन्होंने एंटरटेन के मामले में सारी हदें पार कर दी, एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट कर दिया। फिर क्या, मंच पर तो सब हंसी से लोटपोट होते दिखाई दिए, दर्शकों का दिन बन गया। पवनदीप शायद गाना गा रहे थे। पवनदीप से किसी की एक्टिंग करने को बोला जाता है, मिमिक्री करने को बोला जाता है, जिसके बाद पवनदीप हिमेश रेशमिया की तरह हाथ पैर फेंकते दिखाई दिए। हिमेश रेशमिया के डांस स्टेप और मूवमेंट कौन नहीं जानता है, जिसके लिए हिमेश रेशमिया पहचाने जाते हैं। हिमेश रेशमिया तो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन हिमेश रेशमिया की कमी को पवनदीप ने खलने नहीं दिया। हिमेश रेशमिया की तरह गाना गाते गाते वो हाथ को झटके से नीचे फेंकते हैं और ऊपर ले जाते हैं और तभी पवनदीप मंच पर गिर भी जाते हैं। मंच पर गिरते भी हैं, उठते भी हैं और एंटरटेनमेंट जम कर करते हैं, गिरते पड़ते भी। पवनदीप की एक्टिंग बिल्कुल थमी नहीं और वो पहली बार किसी की एक्टिंग करते वक्त हंसते दिखाई दिए चेहरे पर स्माइल के साथ। जब पवनदीप एक्टिंग कर रहे थे तो अरुणिता उन्हें देख देख कर हंसे जा रही थी। हालांकि अरुणिता की वीडियो नहीं दिखाई गई, लेकिन एक सीन पर अरुणिता को बहुत मिस किया गया। दरअसल जब एक सीन में पवनदीप गाते गाते घुटनों के बल बैठ जाते हैं तो उस वक्त लोग ऐसा फील करते हैं कि पवनदीप अरुणिता को प्रपोज कर रहे हैं। हालांकि पवनदीप का घुटनों पर बैठने वाला सीन दिखाया गया, लेकिन अरुणिता उनके सामने नहीं दिखाई दी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त इस सीन में उनके सामने अरुणिता होती तो इस फोटो की कुछ और ही बात होती।